बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप T60 जो एप्सन प्रिंटर है ना, उसकी ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करोगे। हम आपको तरीका सिखाएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का आइकन भी दबाएँ ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिल सके। बिना टाइम वेस्ट हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला, आप आपके पास सीडी मौजूद है तो आप सीडी ड्राइव से आप इंस्टॉल करें। अगर आपके पास कंप्यूटर में हो तो हमारे पास कंप्यूटर में है, तो हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। यहाँ पर T60 एप्सन सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है। तो हमें इसे सेटअप पर क्लिक करते हैं, तो ये स्टार्ट हो गया इंस्टॉलेशन, ठीक है। हमारे पास T60 की जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया। इसी इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर लिस्ट, आप इसी इंस्टॉलेशन पर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद एग्री करें, एग्री के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करें, ठीक है। ये इंस्टॉल स्टार्ट हो गया T60 का। तो दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका है T60 प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करने का। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोगों से भी शेयर करें। तो इसकी प्रोसेस स्टार्ट है। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हमारे सामने जाएगा, ठीक है। हम जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ प्रोग्राम पर क्लिक करें, तो यहाँ कोल्ड्रा 11 भी आ गया है, 9 भी आ गया है, एप्सन की सॉफ्टवेयर भी यहाँ आ जाती है। जो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ से इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। मैंने पहले इससे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड किया था तो यहाँ पर आ गया है। ये इसकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड टूल्स। हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड और फॉर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस। ये 4 सॉफ्टवेयर हैं ना माइक्रोसॉफ्ट में, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन स्टार्ट है और इंस्टॉल हो जाए, हम आपको दिखाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया है, ठीक है। उसकी प्रोसेस स्टार्ट है। एंड आउटपुट शॉप, प्रिंटर की जो ड्राइवर हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास L220 मैंने पहला इंस्टॉल किया है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी तरीका भी बताएंगे। और पहला मैंने 3005 HP प्रिंटर है, मैंने इसको भी इंस्टॉल किया है। और T60 की जो आइकन आई है वो तो हिडन है, तो इंस्टॉल कंप्लीट होगा तो ये ब्लैक होगा, ठीक है। ये टूल जैसे होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, फाइनल T60 के ड्राइवर फाइनल होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। इसको दिखाता है कनेक्ट योर प्रिंटर लेटर, इसको केबल लगाए, ठीक है। फिर यह ओके करें, फिर फिनिश पर क्लिक करें, ठीक है। दोस्तों, हमारे पास
फिर इसके बाद आप अपना प्रिंटर ओपन करें। प्रिंटर ओपन करें तो आपका जो प्रिंटर आइकन है ना वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों ये तरीका था T60 प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करने का तरीका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।